आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। और आज हमारे सामने है ये पावर ट्रैक, जो कि एस्कॉर्ट कंपनी का ट्रैक्टर है। ये एस्कॉर्ट कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। और इसका जो मॉडल, ये जो आप देख रहे हैं, ये मॉडल है यूरो 47 प्लस। और ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी मार्केट में जाना जाता है डीजल सेवर प्लस के वजह से, जिसकी आप ये बैजिंग भी देख रहे हैं। और ये इनकी एक सीरीज़ है पावर हाउस, तो इस सीरीज़ के तहत ये ट्रैक्टर है। 50 HP का ये ट्रैक्टर है। और क्योंकि ये पावर सीरीज़ में है और डीजल सेवर के नाम से ये मशहूर है, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि ये जो है 5 लीटर तेल की खपत करता है एक घंटे में, इसलिए इसे जो है डीजल सेवर के नाम से जाना जाता है ट्रैक्टर। सॉलिड अगर आप सामने से देखें तो काफ़ी सॉलिड दिखता है ये। 85 kg का इसका सामने का बम्पर है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। यूरो पावर हाउस फ्रंट में भी आप इसको देख सकते हैं, बैजिंग है, पावर ट्रक की बैजिंग आपको सामने मिल जाती है। और सामने से इसका कुछ लुक इस तरीके का है। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 425 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी आप कहीं भी इस ट्रैक्टर को उतार सकते हैं, किसी भी खेत में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने से लुक इस ट्रैक्टर का काफ़ी डैशिंग है और मुझे ये स्पेशली जो ब्लू कलर है काफ़ी अच्छा लगता है ट्रैक्टर्स में। सामने के टायर की अगर बात करें तो ये 750/16 के टायर हैं, टायर साइज़, और अपोलो के टायर इसमें आते हैं। फ्रंट में आप इंजन और ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। यूरो 47 प्लस की बैजिंग आपको मिल जाती है। बाकी अगर हम पीछे की टायर की अगर बात करें तो पीछे का जो टायर साइज़ है, ये आपको 14, 9, 28 का टायर साइज़ मिल जाता है। अपोलो के इसमें आपको टायर मिलेंगे। MRF और अपोलो काफ़ी अच्छा टायर जो है माना जाता है मार्केट में। आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा, काफ़ी सारी गाड़ियों में ज़्यादातर अपोलो या MRF ही मिलता है। पीछे से बाकी इस ट्रैक्टर का जो लुक है कुछ इस तरीके का है। ये रिवर्स PTO में भी अवेलेबल है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल और 5000 घंटे की इसकी जो है वारंटी रहती है। इसकी बैजिंग आपको यहाँ पे पीछे मिली है। और रिवर्स PTO जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी दमदार चीज़ मानी जाती है। इससे आप इजीली जो है अपने काम को जो है इसमें कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो है इस ट्रैक्टर के साथ आप कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे चीज़ें आप देखिए किस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। पीछे का लुक, पीछे यहाँ आपको एक लाइट भी मिल जाता है, रात के समय काफ़ी अच्छा रहता है। टायर साइज़ मैंने आपको बता ही दिया, पीछे का 14, 9, 28 का है। यहाँ पे कुछ इस तरीके की इसकी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टेयरिंग है, पावर स्टेयरिंग आता है इसमें। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ग्रिप के साथ आता है। ड्राइवर जो है ज़्यादा हिल डुल इसमें उसको फिसलेगा नहीं। वो ट्रैक्टर अगर इधर उधर होता है तो ड्राइवर फिसलता नहीं है, ईजिली जो है वो बैठ सकता है। अगर मैं सीट पे बैठ जाऊँ और यहाँ से अगर फ्रंट का लुक आपको यहाँ से दिखाऊँ ऊपर बोनेट का, तो ये इस तरीके का है पूरा। आप आगे तक पूरा इसका हुड देख सकते हैं। बाकी यहाँ आपको कुछ लीवर्स वगैरह मिल जाते हैं। गियर की अगर मैं बात करूँ तो 8 गियर इसमें फ्रंट में हैं और पीछे 2 गियर इसमें आते हैं। बाकी इधर भी आपको लीवर्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके का लुक है। तो ये ट्रैक्टर बेसिकली अपनी 3 खासियत के लिए जाना जाता है। ये फ्यूल सेवर है, फ्यूल बचाता है। दूसरी चीज़, इसमें GPS सिस्टम भी है, यानी आप अपने ट्रैक्टर को मॉनिटर कर सकते हैं GPS के थ्रू। तो इसमें GPS भी लगा हुआ आता है। और आप यहाँ अगर देखें तो इसमें इसमें एक चीज़ और है खासियत, वो ये है कि इस ट्रैक्टर में अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली जो है प्लांट में कांटेक्ट कर सकते हैं और कभी भी आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल है एस्कॉर्ट की तरफ से। और अभी हम इसका इंजन देखेंगे, 3 सिलेंडर इसका इंजन है। और वो जो फीचर है जिसे किसान भाई जो है डायरेक्टली कंपनी से बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है या कोई जानकारी लेनी हो, तो आप ये वाला जो देख रहे हैं जो बॉक्स, ये बेसिकली स्पीकर है और ये डायरेक्टली जो है
स्पीकर है, और प्लस ये एक ऐसा सिस्टम है बटन को अगर आप दबा के रखते हैं 5 से 7 सेकंड तक, तो ये डायरेक्टली जो है कॉल इससे कनेक्ट हो जाती है कस्टमर केयर को, और एस्कॉर्ट में आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो आप वहाँ उनको बता सकते हैं और वो वहाँ से आपकी हेल्प कर देते हैं। ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसमें, भाई कभी भी आप जा रहे हो कहीं भी कुछ भी हो जाए तो तुरंत आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बाकी सामने से आप देख सकते हैं रेडिएटर दिया हुआ है और बाकी चीज़ें सब आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो बेसिकली 3 इसमें फ़ीचर मुझे लगे हैं। इसमें GPS सिस्टम आता है जो कि ट्रैकिंग के लिए आप अपने ट्रैक्टर को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आप हेल्प ले सकते हैं कस्टमर केयर से कभी भी। बाकी ये बॉक्स आप देख रहे हैं, छोटा मोटा सामान इसमें रख सकते हैं। और तीसरी जो ट्रैक्टर की खासियत है वो फ्यूल सेवर है, तो फ्यूल सेवर की बकायदा इसमें बैजिंग भी आती है जो कि मैंने आपको दिखाई थी। तो ये 3 खासियतें इस ट्रैक्टर की जो कि आप इसमें, और यहाँ देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था केयर की, तो आप कस्टमर केयर जो उसकी बैजिंग भी आप यहाँ मिली हुई है, तो डायरेक्ट आपको केयर मिलेगी कंपनी से, तो डायरेक्ट केयर की वो बैजिंग थी। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 425 mm का है, मैंने आपको बताया। अगर मैं बात करूँ इस ट्रैक्टर के वजन की, पेलोड कैपेसिटी इस ट्रैक्टर का जो है 2000 kg का है, और इस पूरे ट्रैक्टर की अगर वजन की बात करें तो ये 2160 किलो का पूरा ट्रैक्टर है। ये कीमत की अगर मैं बात करूँ इस ट्रैक्टर की, तो ये जो ट्रैक्टर है ये 7.5 लाख के करीब का बैठता है। बाकी फाइनेंस पे अवेलेबल है ये ट्रैक्टर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है शोरूम का, आप डायरेक्टली वहाँ पर कॉल करके बाकी जानकारी या फाइनेंस से रिलेटेड और बाकी चीज़ें कुछ हैं वो पता कर सकते हैं। फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो 60 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है, और एवरेज मैंने आपको बताया 5 लीटर पर आर का इसका एवरेज है। कंपनी जो है 5000 घंटे की इसमें वारंटी देती है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करिए, अपने सवाल को कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।